नैनीताल से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने R9 टीवी से खास बातचीत की है। सांसद ने विधायकों की नाराजगी को अफवाह बताया और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। उत्तराखंड से बीजेपी सांसद अजय भट्ट हमारे साथ है। सर, जिस तरह से सरकार को लेकर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है, कई विधायक नाराज हैं, यहाँ तक कि आपका भी नाम आ रहा है। कल की बात करें तो प्रेमचंद अग्रवाल आते हैं, खुद यहाँ केंद्रीय संगठन मंत्री से मिलते हैं, तमाम अन्य नेताओं से मुलाकात करते हैं। कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है, कहीं नाराजगी नहीं है, ये सब मीडिया ट्रायल चल रहा है, कहीं से कहीं नहीं है। अब बताइए, हमारे बारे में लिख दिया कि अजय भट्ट जी के निर्देश पर सब यहाँ गए, न बात न चित। मैंने उनको उनके खिलाफ FIR कर दी है, जिन्होंने कूट रचित करके एक चित्र भी छापा गलत तरीके से और गलत इन्फॉर्मेशन भी दी लोगों को। और इस तरह से चरित्र हत्या करने की, जिसे कहते हैं किसी की छवि को ख़राब करने, धूमिल करने की कोशिश की, तो वो मैंने अपने लॉयर्स से पूछा है, तो उन्होंने उसमें FIR कराने की सलाह दी है। वो मैंने FIR भी कर दी है, क्योंकि उत्तर देना पड़ेगा। इस तरह की अफवाह फैलाना, मैं समझता हूँ कि कहीं से कहीं नहीं है, हुआ ही नहीं है। बिशन सिंह चौपाल जी ने कहा, भाई क्या हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिल सकते हैं? क्यों नहीं मिलेंगे, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे ही किसी विधायक, उनके साथ कोई था भी नहीं, कोई विधायक भी नहीं था, सारी अफवाह मात्र है। इसलिए प्रेमचंद अग्रवाल जी अगर मिले हैं तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, क्या वो मिल नहीं सकते हैं? उनको तो मिलना चाहिए कभी ना कभी, साल में 6 महीने में कभी ना कभी, आप अपने विधानसभा की बातें बताई हों, यहाँ करी हों, प्रधानमंत्री से मिलने आएंगे, कई जगह आएंगे। इस तरह की अफवाह फैलानी नहीं चाहिए, ये गलत अफवाह है। लेकिन सर, अगर आप अफवाह मानते हो, आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कार्यकाल आपका हमने देखा है, इस तरह की चीज़ें तब नहीं आती थी। अब सरकार तब भी थी, उस दौरान भी जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आज भी आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और आप वो अलग की बात, अध्यक्ष को ही और है, तो संगठन और सरकार तालमेल में तो कहीं ना कहीं कमी है, नहीं विधायक एक एक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले। अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिलते हैं, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार की होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो योजनाएं यहाँ होती हैं। राज्य की समस्याओं का समाधान राज्य सरकार करती है, केंद्र की समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार करती है। इसलिए केंद्र में अपनी रुकी हुई योजनाओं को जल्दी से वो संपन्न हो काम, इस नाते से यहाँ लोग आते हैं। तो ये थे अजय भट्ट, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि ये महज अफवाहें हैं, लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि विधायकों का राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना यूं ही नहीं होता। कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।